अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं शेख मोहम्मद सिराज, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं वीडियो इसलिए बनाया था वो टाइम पे कि ये हॉल जो हम लोग ने बनाए थे शादी के लिए, जो एक रुपया शादी के लिए, जो 2012 से लेकर 17 तक का जब मैं नगर सेवक था, 2013 में मैं पास करा था, 14 में इसका फाउंडेशन का काम चालू किया था। और ये यहाँ की आवाम के, गाउंडी की आवाम के लिए, शादी के लिए हम लोग बना रहे थे कि यहाँ के गरीब बच्चों के, यहाँ के लोगों के लिए शादी के लिए कोई तकलीफ ना हो। 50-50 हजार देना पड़ा था कम से कम में, हुए करके एक रुपए में शादी हुई करके। आज देखो जैसे ऑर्डर होने के बाद, उसके बाद हमारे यहाँ के आमदार जनाब अबू आशिफ साहब ने इसकी कम्प्लेंट किए कि पीजी प्लॉट में है, ऐसा करके ऐसा कम्प्लेंट करके, ये ने आज कम्प्लेंट करके बीएमसी से ये हॉल को बीएमसी के ताबे में करवाया। क्यों? इसलिए कि मैं आजाद उम्मीदवार था, एक आजाद नगर सेवक था, लोगों के लिए काम करना चाहता था, गौंडी के लिए काम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि मेरा नाम ना हो। और वो जब बीएमसी ने आगे इसको सील करी, इसके बाद उन्होंने अपनी संस्था लगाए, वो नियाज अहमद माइनॉरिटी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इन्हें अपनी संस्था डाले। और अपनी संस्था डालने के बाद इन्हें अपना काम चालू किया कि मैं इसमें एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए स्टडी सेंटर बना रहा हूँ। भाई ये तो मैं पहले से ही पास करा चुका था, शादी का हॉल डबल था और पूरा स्ट्रक्चर मेरा ही है। उसके बाद ये आके अपना कब्जा जमाए और अपना बीएमसी से लेके आज ये बता रहे कि आप लोग स्टडी सेंटर बनाए। ये स्टडी सेंटर ये सब पास किया हुआ है और ये घुमा रहे खाली। मैं आवाम से बताना चाहता हूँ, मेरे भाई लोग आप भी तुम लोग होशियार हो जाओ। ये देखो, ये स्टडी सेंटर के बाद इनका पर्सनल जागीर हो जाएगी। जैसे राजीव गांधी मेडिकल सेंटर इन्होंने अपना कब्जा करके वहाँ पे जो डिस्पेंसरी थी उसके बाद में अपनी जगह बनाई। यहाँ पे कुछ नहीं, ये खाली नाम है स्टडी सेंटर और कुछ नहीं होने वाला। जो मैं शादी का प्रपोजल डाला था, ये इन लोग ने कम्प्लेंट करके इन लोग ने इसको ये डिस्क्वालीफाइड करे। मैं आवाम से अपील करता हूँ, ये खुद तो नहीं किए। आप देखो 10 साल के अंदर इन्हें क्या किए, कुछ नहीं किए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर क्या हुआ आप बताओ, कोई भी डिपार्टमेंट में 10 साल में क्या हुआ? मैंने किया 5 साल के अंदर, 2012 से लेकर 2017 तक का मैंने गार्डन बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये अम्बेडकर गार्डन, शाह महाराज गार्डन, ये हॉल बनाया, शहीद स्मारक बनाया, छबिल बनाया। और देखो ये जीती जागती तस्वीर है मेरी, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे माइनॉरिटी ये हॉस्पिटल है, ये मैटर्निटी हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल के आप लोग देखो जिसके अंदर आईसीयू है, एनआईसीयू है, जिसके अंदर बच्चों लोग के लिए, हर बच्चों लोग, छोटे बच्चों लोग के लिए हर चीजें फैसिलिटी, डिलीवरी हॉस्पिटल फ्री है। मेरे भाइयों, मैं आवाम से बताना चाहता हूँ कि आप अंधेरे में मत रहो, अब आ गया वक्त हमारे, आज 18 साल लग गई है। मैं आवाम से अपील करता हूँ, जो सही चीज है, 10 साल में हमको कुछ नहीं मिला है, 10 साल में केवल हमारे साथ में खेल हुआ है, हमारे साथ में धोखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। हम सोचे थे ये हमारे कौम के मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं है, सब गलत है। इनका एक भी चीज बताओ, अगर ये एक भी चीज बताएंगे और कसम खिला दो, ये हॉल ये बनाए थे क्या, ये हॉस्पिटल ये बना रहे क्या, गार्डन ये बनाए थे क्या? ये मैंने किया शेख मोहम्मद सिराज लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए। मैं आवाम से, मेरे भाई लोग से सबसे अपील है मेरी कि आप लोग सच्चाई पे आओ, सच पे आओ, हमको बदलना होगा। 10 साल हमने इसको टाइम दिए, 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। जो बच्चा 1 साल का था, 10 साल का हो गया, 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। आज हम लोग ने टाइम दे दिया, अब हमारा वक्त हो गया है कि हमको मुंह तोड़ जवाब देने का, हमको नया स्थानीय उम्मीदवार लाने का है। अब के बार स्थानीय उम्मीदवार आना चाहिए और स्थानीय आदमी स्थानीय की बात समझेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, देखो स्टडी सेंटर ये है, ये खाली खिलवाड़ करे जैसा हॉल था, ये हॉल के साथ में खेल किए और कुछ भी, इनका कुछ भी नहीं है, खाली कम्प्लेंट करके जैसे राजीव गांधी मेडिकल सेंटर करे, ये भी वही कर रहा है। आवाम अब जागो, अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। मैं आवाम से अपील करता हूँ, जो सच्चाई, जो हक बात है वही करो। अगर मैं गलत हूँ, ये सब चीज मैं नहीं बनाया, ये हॉस्पिटल देखो आप लोग साथ माले, कल के दिन ये भी बोलेंगे इनका है। अगर मैं गलत हूँ मेरे भाई लोग, तो मैं गले में ना कुत्ते का पट्टा बहन के समाजवादी के ऑफिस के सामने बैठने वाला, अगर ये चीज इनकी रहेगी तो। आपका अपना शेख मोहम्मद सिराज, जय हिंद जय महाराज, हमको मुंह तोड़ जवाब देना इनको ये बारे में।